अग्निशमन मॉल ड्रिल की जानकारी ले रहे संत जेवियर्स स्कूल के बच्चे गर्मी व धूप से हुए बेहोश। अन्य प्रभावित बच्चों को तत्काल विद्यालय में दिया गया प्राथमिक उपचार। प्रिंसिपल ने गंभीर स्थिति का एहसास करते हुए त्वरित गति से एम्बुलेंस से छात्र छात्राओं को भेजा GMCH। सभी बच्चे हैं स्वस्थ और सकुशल। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने बच्चों को रखा घंटों अपनी निगरानी में। देर संध्या अस्पताल से पूरी जांच करने के बाद बच्चों को किया गया डिस्चार्ज। विद्यालय के प्रिंसिपल फादर रिचर्ड डिसूजा एक एक बच्चों के पास उनकी कुशलता का लेते रहे समाचार और जमे रहे GMCH अस्पताल। न्यूज 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। संत जेवियर्स हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में विद्यालय के छात्र छात्राओं को अग्नि से बचाव और अग्निशामक यंत्रों के प्रयोग से संबंधित मॉल ड्रिल का अभ्यास और प्रशिक्षण दिया जा रहा था, जिसके लिए सभी विद्यार्थियों को स्टेट के आगे मैदान में बैठाया गया था। वहीं जब अग्निशमन यंत्रों और अग्नि से बचाव के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा था, तभी तेज धूप और उमस से एक एक कर लगभग एक दर्जन विद्यार्थी बेहोश होना शुरू हो गए। वहीं कुछ अन्य तेज धूप से बेचैन हो गए। विद्यार्थियों की स्थिति गंभीर होते देख प्रिंसिपल रिचर्ड डिसूजा ने एम्बुलेंस को फोन कर विद्यालय बुला लिया और उन्हें GMCH चिकित्सकों की निगरानी में भेजना शुरू कर दिया। वहीं घटना की सूचना प्रभावित विद्यार्थियों के अभिभावकों और जिला प्रशासन और शिक्षा पदाधिकारी को भी दिया। सूचना पर तत्काल अनुमंडल पदाधिकारी सदर विनोद कुमार और जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण और चिकित्सकों की टीम पहुंची, जहां तत्काल प्रभावित बच्चों की जांच और प्राथमिक उपचार दिया गया। साथ ही प्रभावित बच्चों को ORSL भी दिया गया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने घटना के संबंध में जानकारी ली और स्वयं अपने निगरानी में एक एक बच्चे को GMCH भेजा। वहीं गंभीर रूप से GMCH में पहुंचे बच्चों को जिलाधिकारी कुंदन कुमार के निर्देश पर डॉक्टरों की टीम ने बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देना शुरू किया और घंटा भर पश्चात सभी विद्यार्थी अपने होश में थे और मुस्कुरा रहे थे। साथ ही सभी स्वस्थ थे और सभी किसी प्रकार के खतरे से बाहर थे। वहीं जब बच्चों से बात की गई तो उन्होंने तेज धूप और गर्मी से बेहोश होने की बात बताई। साथ ही प्रिंसिपल और शिक्षकों के द्वारा तीव्र गति से बच्चों को प्राथमिक उपचार देते हुए अस्पताल पहुंचाए जाने की बात बताई। बच्चों के साथ उपस्थित अभिभावकों ने भी अपने बच्चों को खतरे से बाहर बताया और सभी के स्वस्थ और कुशल होने की बात बताई। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि विद्यालय के द्वारा ही हमें सूचना दी गई थी। बच्चों के बेहोश होने के पश्चात विद्यालय ने बड़ी सूझबूझ और तीव्र गति से बच्चों को चिकित्सा लाभ देने का काम किया है, जिससे आज सभी बच्चे सकुशल हैं। इस संबंध में GMCH अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर प्रमोद तिवारी ने बताया कि बच्चों को धूप एवं गर्मी लग जाने से डिहाइड्रेशन की स्थिति हो गई थी और उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। शीघ्र ही उनका उपचार किया गया, जो अब पूरी तरह ठीक है, जहां बच्चों की प्रॉपर निगरानी की जा रही है और उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। कुछ घंटों के पश्चात सभी को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने तेज धूप और गर्मी से बचाव करने का सुझाव भी दिया है। पूरी घटना को लेकर प्रिंसिपल फादर रिचर्ड डिसूजा काफ़ी चिंतित दिखे और शायद इसलिए स्वयं घंटों GMCH में रुककर एक एक बच्चों की कुशलता पूछते रहे, साथ ही डॉक्टर की टीम से भी उनकी जानकारी लेते रहे। आपको बता दें कि दो दिनों से जिले में वर्षा हो रही थी, जिसके पश्चात जो धूप निकली वह प्रचंड आग के समान गर्मी व उमस का वातावरण बना रखी थी, जिसमें बच्चे विद्यालय के मैदान में बैठने के पश्चात उक्त घटना के शिकार हो गए। परंतु वहीं त्वरित चिकित्सा से एक बड़ी अनहोनी घटना होने से बच्चों को बचाया जा सका। न्यूज 9 टाइम्स। जोर से बोलिए। कैसा तबीयत है आपका? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? आपका सुबह क्या खा कर रहे थे आप? चावल सब्जी। धूप में थे, कैसे हुआ फिर? बाकी अभी आप नॉर्मल हैं? ठीक है बेटा, आपकी तबीयत कैसी है? क्या नाम हुआ आपका? अभी आप ठीक हैं? क्या हुआ था आपको?
धूप लग गया था। आपका क्या नाम हुआ, किस क्लास में है, ये बताइए। आपका अभी जो तबीयत है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना आपको, अंदर से कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, ये स्कूल जब आपकी तबीयत खराब हुई तो स्कूल प्रशासन ने आपको तुरंत हॉस्पिटल भेजा? सब केयर कर रहे थे, किसी तरह का कोई लापरवाही नहीं किया गया? अच्छा, ये हुआ कैसे? क्लाइमेट की वजह से, बहुत ज़्यादा गर्मी, गर्मी के वजह से हो गया। क्या नाम है बेटा आपका, जोर से बोलिए। कैसा है तबीयत आपका, कैसे हो गया ये घटना? धूप में थे तो, धूप में लगने से हो गया। सुबह क्या खा कर आए थे? रोटी सब्जी। अभी ठीक है तबीयत आपकी? क्या हुआ था, चक्कर आ गया था? अभी आप ठीक हैं? आपकी बच्ची कहाँ है अभी? क्या बच्ची अभी नॉर्मल है, कोई तरह का दिक्कत उनको? कोई दिक्कत नहीं। आपकी बेटी यहाँ पे भर्ती है? GMCS में। तो ये कैसे घटना आपको पता चला? स्कूल प्रशासन की तरफ से फोन आया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, आके मुझे। स्कूल प्रशासन ने प्रॉपर केयर किया बच्चों का? केयर किया, मैं वहाँ गया, सब बच्चे एम्बुलेंस में थे, पांच बच्चे एम्बुलेंस में थे, पाँचों को लेके यहाँ आया जा रहा था। उससे पहले मैं यहाँ स्टाफ में सब जैसे आकर ठीक ठाक देख रहा था, है कि नहीं उचित, मतलब त्वरित कार्रवाई करते हुए स्कूल प्रशासन ने काम किया। स्कूल प्रशासन तरफ से ठीक व्यवस्था था, कहीं नहीं। अभी आपकी बेटी नॉर्मल है? अभी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है? अभी कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम? निशांत कुमार। आपकी बेटी है जी? अभी कैसा तबीयत है उनका? अभी ठीक है। कोई ठीक है, मतलब स्कूल प्रशासन के द्वारा कोई लापरवाही वगैरह नहीं किया गया? नहीं नहीं, एकदम टाइमली सब चीज़ इलाज किया गया। हाँ, तुरंत एम्बुलेंस मंगा के भेजा गया, तुरंत एम्बुलेंस मंगा के भेजा। आप लोगों को भी सूचना दिया गया? जी जी, मतलब सब चीज़ अच्छा से हुआ? बिल्कुल ठीक। सर, संजीवियर स्कूल में कोई घटना घटी है जिसको लेकर कुछ बच्चे यहाँ एडमिट हुए हैं, उनकी स्थिति कैसी है? कुछ बच्चे यहाँ आए थे सांस लेने में तकलीफ की शिकायत को लेकर के, और ऐसी सूचना मिली थी कि वहाँ स्कूल परिसर में वो लोग बेहोश भी हो गए थे। तो प्राथमिक जांच में ऐसा लगता है कि उन लोगों को डिहाइड्रेशन की वजह से वैसी तकलीफ हुई है। बच्चों का उपचार किया गया और सारे बच्चे खतरे से बाहर हैं। अभी हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन में रखा है, शाम तक उनकी छुट्टी हो जाने के लिए। ये सूचना सर स्कूल प्रशासन के द्वारा समय से दे दी गई थी आपको? हाँ बिल्कुल, बच्चे एकदम समय आ गए थे यहाँ पर। संजीवी स्कूल में आज जो घटना घटी है फादर, वो कैसे अचानक ये घट गई? ये आज 10:30 से 11:30 बजे तक अग्निशामक टीम आई थी बच्चों को डेमो दिखाने के लिए कि आपातकालीन में कहीं आग लगा जाए, लग गया तो कैसे उसको बुझाया जाए, क्योंकि हम लोग जगह जगह पर आग नियंत्रण यंत्र लगाए हैं। और वो टीम आई थी बच्चों को दिखाने के लिए कि कैसा उसको उपयोग किया जाए, और उसके दौरान बच्चों को सब ग्राउंड में बैठाया गया था करीब 1/2 किलोमीटर दूर स्टेज से, और उतना ही 1/2 घंटा का प्रोग्राम हुआ। और उसमें आज थोड़ा धूप थोड़ा खड़ा था, खड़ी धूप थी, उसके चलते कुछ बच्चे थोड़ा चक्कर आने लगे, उनको पेन कुछ बच्चों को, और उनको तुरंत व्यवस्था की गई है, तुरंत हॉस्पिटल भेजने की, और जो भी हम लोग को साधन डॉक्टर तुरंत बुलाया गया, डॉक्टर तुरंत आ गए। सभी बच्चे अभी नॉर्मल स्थिति में? सभी कुछ अभी नॉर्मल है।